फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 1:30 और ये लड़कियाँ बहुत जल्दी उठ के ये लगा रही है रिक्शा ले भैया का फ़ोन, क्योंकि मम्मी और इसका प्लान बनाया कि बाहर जाने का प्लान तो क्या इसको, जैसे मैं परसों में अपने लिए जोड़ी लेकर आई थी ना एक कपड़ों की, इसको अंदर से जेलसी होगी तो ये बोलती है आज मैं लेकर आऊँगी, तो इसके लिए ये लड़की कर रही है रिक्शा ले भैया का फ़ोन, फिर जाएगी मम्मी के साथ। ये ऐसे होता है फोन। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि कल हमारी सोसाइटी में एक छोटा सा फंक्शन है, मतलब ये होता है फंक्शन सिंधी लोगों का चेटीचंद बोलते हैं इसे। आपके यहाँ पर भी मनाते होंगे क्योंकि हमारे यहाँ पर भी सिंधी लोग जैसे ज़्यादा हैं तो इसलिए चेटीचंद सेलिब्रेट करते हैं। तो इसके लिए कल रखा है हमारी सोसाइटी में खाना और थोड़ा DJ वगैरह बजाएंगे, नाचेंगे सब लोग और हम लोग जाएंगे। लेकिन हमारा पता है होली वाला तो रह गया था, उन्होंने होली पे भी कोई फंक्शन रखा था नीचे सोसाइटी पर, हम लोग गए नहीं, गए थे बट लेट हो गए थे। मेरी तरफ से गुड इवनिंग फ्रेंड्स, शाम के बज चुके हैं 6:30 और आज मैं व्लॉग बहुत ज़्यादा लेट स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं नहा धो के बैठी थी, कब से ऑटो वाले भैया का वेट कर रहे थे, अब आए और ये अब जाके आए हैं। सो भी लेके आए पीटू बाबू को बाहर और उसके बाद देखते हैं, शायद मम्मी का प्लान तो है कहीं बाहर जाने का। मम्मी को जाना है वो चूड़ियाँ वगैरह लेने, सो लेने जाएंगे और ये कुत्ते यहाँ घूम रहे हैं बट नहीं कहेगा वो कुछ, बेचारा खुद डर रहा है। सो पहले इसको देख लूँ फिर मैं व्लॉग बनाती हूँ घर पर जाके। देखिए आज कितना ऑटो वाले भैया ने लेट कर दिया बट गार्डन बहुत अच्छा मिल गया हमें, इस बात की बहुत खुशी है यहाँ। अच्छा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ मौसम बहुत अच्छा हो गया अभी, क्योंकि अभी बारिश जैसा मौसम है। आप बोल रहे तो शाम को हम लोग जब गए थे पीटर को वॉक कराने के बाद, उसके बाद हम लोग 1.5-2 घंटा डिबेट की कि कौन जाएगा मार्केट। सो फाइनली मार्केट जा भी आया और आ भी गई हूँ और मैंने भी अपनी एक ड्रेस ले ली है जो मुझे चाहिए थी, एक जीन्स टॉप ले ली है, बट मैं वो आपको नहीं दिखाऊंगी, वो तभी दिखेगी जब मैं पीटर के बर्थडे के दिन पहनूंगी, इसलिए मैंने वहाँ व्लॉग बनाया नहीं मार्केट में। मम्मी कैसे लगे तुझे? बहुत बढ़िया। हाँ, और सिर्फ मम्मी ने ये ली है चूड़ियाँ जो कि डेली यूजेस में हो सके, अभी कल हमारे जैसे कल हमारे फंक्शन है चेटीचंद सोसाइटी में, तो थोड़ा चूड़ियाँ वगैरह पहन के जाएगी मम्मी तो अच्छा दिखेगा ना, सो इसलिए इसलिए मम्मी लेके आई कि मैं किसी फंक्शन पे पहन के जाऊँ तो अच्छी ना लगे। सो ये बहुत ही प्यारी ली है, अभी मम्मी पहन के दिखाएगी, कल ही पहनेगी मुझे लगता है। सो हम लोग अभी पहले मैं और आपको मैं बताऊँ, मैं मॉर्निंग से भूखी घूम रही हूँ, मुझे पता है चक्कर आ रहे हैं कि मॉर्निंग से यार, अब मुझे कुछ खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मम्मी और हलीन अपनी शॉपिंग भी कराए हैं और हलीन की ड्रेस सच में बहुत ज़्यादा बढ़िया है, बट हलीन ने आपको नहीं दिखाई क्योंकि हलीम बोली आपको सरप्राइज देना है, मैंने बोला चल ठीक है तो मत दिखा, चल ठीक थे रीच। और आज भी मैंने वॉक स्किप नहीं की, जैसे ही मम्मी और हली लाए ना उसी टाइम मैं चली गई 1/2 घंटे की वॉक करने, बस अभी मैं बातें करते करते बैठ गई क्योंकि मैं थक गई थी। अभी मैं आई हूँ जाकर वॉक से और आकर मैंने सीधा लगाया सिर में तेल क्योंकि सिर नहाने वाला हो गया था, काफ़ी ज़्यादा बाल रफ हो गए थे और वैसे ही मुझे नहाना तो था ही आज क्योंकि कल हमारी सोसाइटी में फंक्शन है जैसे कि हलीन ने आपको ब्लॉग में बताया ही है, तो उसके लिए मैं भी नहा रही हूँ आज हेयर वॉश, मैं भी कर रही हूँ हेयर वॉश और हलीन भी कर रही है, हलीन गई हेयर वॉश करने, मैं भी जाऊँगी जब हलीन आएगी। आज अगर डिनर की बात की जाए तो आज डिनर में बन रही है पीली वाली दाल और साथ में जो दोपहर में शिमला मिर्ची की सब्जी बनाई थी ना थोड़ी वो पड़ी है, उसे हो जाएगा डिनर हमारा कंप्लीट। और ये लड़की सिर वॉश कर आ चुकी है, कहाँ गायब हो गई तू, वो अभी भी लगता बाथरूम। सो फाइनली मैंने हेयर वॉश कर लिया, मेरे बाल सूख भी गए हैं, अभी मैंने चाय भी पी ली है क्योंकि मुझे जागने के लिए आज चाय पीने की ज़रूरत लगी क्योंकि आज मुझे पता नहीं क्यों नींद सी आ रही, क्योंकि मैं मम्मी के साथ गई थी ना बाहर और मुझे सब्जी मार्केट जाना पसंद नहीं है। एक बार सब्जी मार्केट भी गई मैं क्योंकि मम्मी को सब्जी मार्केट में से कुछ सब्जियां लेनी थी एक दो, क्योंकि घर में 2-3 सब्जियां ख़त्म हो चुकी थी, मम्मी बोले अभी यहाँ आए हैं सो कुछ लिए चलते हैं। और हमारे सोसाइटी वाले सुबह के प्रोग्राम की तैयारी कर रहे हैं, सुबह का प्रोग्राम जैसा भी होगा आपको ज़रूर शेयर करेंगे एक एक चीज़ जैसे हमारे सोसाइटी में सेलिब्रेट की जाएगी, क्योंकि अभी तो हमारी सोसाइटी नवी नवी बनी है ना, 1 साल ही हुआ है, सो अभी उतनी पब्लिक नहीं है ना, तो नॉर्मल तरीके से कर ले, पर बाकी जो सोसाइटी है ना वहाँ पे लड़ियाँ वगैरह सब पूरा डेकोरेट किया है उन्होंने, अपने फ्लैट्स बंगलोस डेकोरेट किए हैं, बट जितना हो उसमें खुश रहना चाहिए, हम अपनी सोसाइटी का आपको पूरा दिखाएंगे सेलिब्रेशन, DJ है, डांस है, बच्चों की गेमिंग वगैरह सब कुछ है, तो ठीक है मम्मी एक्साइटेड है तू? बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, आप कल मॉर्निंग में तो मैं वहाँ एडिटिंग कर रही थी अपनी वीडियोज़ की, यहाँ पे ये दीदी अपना डिनर की तैयारी करी, और आज डिनर में क्या बनाने वाली है तू? पनीर की सब्जी जो कि सबकी फेवरेट है, और यहाँ पे तड़का लग रहा है अभी तो, सिर्फ तड़का फेंका है इसने, ये क्या हो गया, और इसने हेयर वॉश कर लिया, ये भी आज नहा चुकी है, ये क्या कर दिया, क्या चला दिया ये, ओए पीटर है नीचे, सॉरी। और ये इसने भी हेयर वॉश कर लिया, मस्त बन गई, कल की तैयारी हो चुकी है। और अभी पता है हमें ग्रुप में मैसेज आया कि जो कल हमारे फंक्शन है ना
वो रात के टाइम पे 8:30 से 10:30 तक है। हाँ। और डीजे वगैरह चलेगा 12 बजे तक, उसके बाद अच्छा है पता है रात का, नहीं तो दिन में होता ना तो गर्मी इतनी होती है ना दिन में तो पसीना आ जाता है और कुछ पता भी नहीं लगता, एंजॉय भी नहीं कर पाते। आज भी पता है मेरा पेट दुख रहा है, क्यों दुख रहा है, क्योंकि आज मैंने समोसे खा लिए, मुझे लगता है समोसे में आलू थोड़े पुराने थे और उसकी वजह से आज पेट दुख रहा है। बट कोई नहीं, आगे से कोई जंक फूड नहीं खाऊंगी, कुछ भी नहीं खाऊंगी, समोसा तो बिल्कुल नहीं खाऊंगी। मैंने खाया नहीं, तूने तो क्योंकि मैंने अपने अटल रही और तीसरा दिन भी तूने अच्छे से हंसी खुशी कंप्लीट किया। मैं आज के दिन भी नहीं गई तेरे साथ वॉक पे। और पता है मैंने समोसे देखे बट फिर भी उनको इग्नोर करने की कोशिश की और मैंने काम कर लिया। मेरी वीडियो एडिटिंग का काम वगैरह हो चुका है, अभी मैं करने जा रही हूँ थोड़ा रूम सेट, क्योंकि मम्मी आज लेके आई थी बहुत ज़्यादा धनिया, मतलब वो भैया ने धनिया दे दिया था, क्योंकि कल मार्केट बंद है, वो बोले आप ले जाओ 10 रुपये का, उन्होंने ज़्यादा धनिया दे दिया था। और वो देखो धनिया के ना उसके बाद काफ़ी कचरा पड़ चुका है, सो इसको झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि पीटर तो जा चुका है वॉक पे, उसके आने से पहले मैं साफ़ कर देती हूँ रूम, नहीं तो वो पता है पैर उसके आके साफ़ करते हैं ना गीले गीले पैरों से पूरा गंद मचा देता है, फिर पूरा दिन अपने पैर चाटता है उसके, उसके लिए भी सही नहीं है। सो इसलिए मैं झाड़ू वगैरह लगाने के बाद आपसे मिलती हूँ, फिर करते हैं डिनर। और मुझे तो इतनी कोई भूख है नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया, बट फिर भी खाना आज तो खाऊंगी, क्योंकि उस दिन पूरा दिन भूखा रही और मॉर्निंग से आज मैं भूखी हूँ, सिर्फ आके मैंने 2 रोटियाँ खाई हैं, उसके बाद अब कुछ खाऊंगी, अभी भी मैं सिर्फ 2 ही रोटी खाऊंगी क्योंकि ज़्यादा भूख नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया, वही मैं वापस बता रही हूँ। मैंने घर भी साफ़ कर दिया, पीटर आके सो भी गया है, ये रहा ये बच्चा आराम कर रहा है, हम सब ने खाना खा लिया, ये लड़की अभी खाने बैठी। और सच में आज की सब्जी इतनी ज़्यादा टेस्टी है ना पनीर की, आप पूछो ही मत। अगर आप कभी इसके साथ रेसिपी की कोई हमें डिमांड करोगे, हम उसकी रेसिपी आपको सब्जी की ज़रूर देंगे, किसी भी डिश की। सो मैंने देखो अपना बर्तन साफ के पूरा सफ़ा चट कर दिया है, ये लड़की अपने डाइट के अनुसार डाइटिंग के अनुसार खाना खा रही है, एक रोटी थोड़ा सा पनीर और दही, और साथ में आज मुझे पता है तरी के साथ प्याज खाने की इच्छा है तो मैंने प्याज काट लिया। हाँ तो खा ले, क्योंकि ऐसे किसी को लालचा आना नहीं चाहिए कि मैं ज़्यादा खाती हूँ तू रहने दे। सो आज के ब्लॉग को मैं ऐसे ही एंड करती हूँ, कल जैसा भी फंक्शन होगा हम ज़रूर ब्लॉग बनाएंगे, आप इसको बोलो कि ये प्लीज़ ब्लॉग बनाए, क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी यही उठती है, मैं भी होप करती हूँ कि जल्दी से जल्दी मैं सो जाऊँ, सिर्फ ब्लॉग एडिटिंग रह गया वो भी थोड़ा सा। सो आपसे मिलती हूँ कल एक फ्रेश ब्लॉग के साथ, एनर्जी के साथ, तब तक के लिए करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, एक लाइक एक कमेंट, गुड नाइट बाय।